हिट एंड रन कानून पर निकला समाधान। सरकार की अपील, हड़ताल खत्म होने की उम्मीद। देश में बढ़ती दुर्घटनाओं को कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार ने हिट एंड रन के मामले में कड़ाई बरती तो ट्रक ड्राइवर्स हड़ताल पर चले गए। देश भर के करीब दर्जन भर राज्यों में लाखों ट्रक ड्राइवर्स ने दो दिनों तक चक्का जाम कर दिया, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। दूध, फल, सब्जियों की आवाजाही बंद हो गई, पेट्रोल डीजल की सप्लाई बाधित हो गई और तो और जहां तहां सड़कों पर जाम लग गया। करीब दो दिन तक ट्रक ड्राइवर्स की नाराजगी और स्थिति पर नजर जमाने के बाद आखिरकार सरकार की तरफ से ट्रक यूनियन को बातचीत का न्योता भेजा गया, ताकि हिट एंड रन कानून को लेकर उनका कंफ्यूजन दूर किया जा सके और हड़ताल को खत्म कराया जा सके। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक के बाद साफ साफ कहा कि नया कानून अभी लागू नहीं हुआ है और आगे भी ट्रांसपोर्ट यूनियन की रजामंदी से इसे लागू किया जाएगा। सरकार ये बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने अपने कामों पर वापस लौट आएं। वहीं सरकार के साथ बैठक के बाद ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यानी AIMTC के चेयरमैन बलबीर सिंह ने भी ट्रक ड्राइवर से बिना किसी डर के काम पर लौट जाने की अपील की। गलत फहमी थी जो कि हमारे भाई कहीं ना कहीं गुमराह हो रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। आज सरकार की तरफ से इसका स्पष्टीकरण गया है, हमारी तरफ स्पष्टीकरण दिया हुआ है। हम कंस्ट्रक्टिव डायलॉग में विश्वास रखते हैं और कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के माध्यम से इसका हल निकला है, जो आपको हमने बताया है कि ये कानून लागू नहीं है और ये कानून लागू नहीं होने देंगे। सवाल है कि आखिर हिट एंड रन से जुड़े कानून में ऐसा क्या बदलाव किया गया जिससे ट्रक ड्राइवर्स में इतना डर बैठ गया कि उन्होंने सड़कों पर उतरने से ही इनकार कर दिया। दरअसल हिट एंड रन में लापरवाही से मौत मामले में विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिसके तहत अगर चालक की लापरवाही से मौत होती है तो वो पुलिस या मजिस्ट्रेट को खबर दिए बिना भाग जाता है तो उसे 10 साल की कैद और 7 लाख रुपए जुर्माना लग सकता है। अब तक इस तरह के मामलों में 2 साल तक की सजा का प्रावधान था, मगर ड्राइवर्स की चिंता है कि हादसे के बाद मौके पर रहे तो भीड़ के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है और भीड़ से बचे तो गिरफ्तार होने पर 10 साल तक जेल में काटना पड़ेगा। ट्रक ड्राइवर्स के इसी डर को देखते हुए गृह मंत्रालय ने फिलहाल कानून पर रोक लगा दी है। कोई भी गवर्नमेंट अगर कानून पास करती है या कुछ भी करती है तो उसको हमेशा स्टेक होल्डर को बुलाना चाहिए, उनसे चर्चा करके ही कानून बनाना चाहिए। लेकिन इन्होंने हड़बड़ी में जो बनाया उसके लिए सब प्रॉब्लम खड़ी हुई है। अभी इन्होंने अपनी गलती मान ली है और कल से गाड़ियां जो है रोड पे आ जाएंगी। आपको बता दें कि देश भर में करीब 95 लाख ट्रक और 80 लाख ड्राइवर हैं। ये हर साल करीब 100 अरब किलोमीटर की यात्रा करते हैं और हर दिन जरूरी सामान अलग अलग शहरों में पहुँचाते हैं। मगर हिट एंड रन कानून को लेकर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की हड़ताल की वजह से 30 लाख से ज्यादा ट्रक खड़े हैं, जिसका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा था। लिहाजा फिलहाल इस कानून को लागू करने का प्लान रोक दिया गया है। अब इसमें संशोधन के बाद ही अपडेट सामने आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।